बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा आज का टाइप जीरो ग्रामर्स एंड ट्यूरिंग मशीन। हमने इससे पहले टाइप थ्री लैंग्वेजेस जिनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं वो पढ़ी, फिर टाइप टू लैंग्वेजेस पढ़ी जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कहते हैं, फिर टाइप वन लैंग्वेज पढ़ी जिसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं, और अब हम टाइप जीरो लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं, टाइप जीरो ग्रामर्स की तरफ। अच्छा, हर लैंग्वेज का कोई जनरेटर होता है और हर लैंग्वेज का कोई एक्सेप्टर होता है। जनरेटर्स हमारे पास ग्रामर्स होती हैं, तो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यानी टाइप थ्री लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास जो जनरेटर था दैट वाज इनफैक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, या ज़्यादा अच्छा हम ये कहेंगे रेगुलर ग्रामर्स, ठीक है ना। और उसके लिए हमारे पास एक्सेप्टर्स बहुत ज़्यादा थे, अभी DFA था, NFA था, NFA MT था, ट्रांजिशन ग्राफ्स थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और जहाँ तक बात आ जाती है टाइप टू ग्रामर की, टाइप टू लैंग्वेजेस की, ठीक है, तो उसके लिए टाइप टू ग्रामर जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, वो इसकी जनरेटर थी। और इसकी जो एक्सेप्टर्स थे वो हमारे पास क्या था, दैट वाज इनफैक्ट PDA। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप वन ग्रामर कौन सी है, तो हमने देखा कि वो एक्सेप्ट, उसका एक्सेप्टर जो है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, जो ट्यूरिंग मशीन ही की एक किस्म है, ठीक है। तो चूंकि ट्यूरिंग मशीन हमने अभी पढ़नी थी, लेकिन हमने उधर भी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया, और आपने देखा कि वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, अगर आपको बेसिक ऑटोमेटास का पता है और मूरे मशीन और मीले मशीन का कॉन्सेप्ट पता है, तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं, आसान सी चीज़ है। और हमने ये देखा कि उसकी ग्रामर को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब उससे एक भी एक ऊपर की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ इनफैक्ट टाइप ज़ीरो ग्रामर। हमारे पास टाइप ज़ीरो ग्रामर का दूसरा नेम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, क्योंकि ये सबका सुपरसेट है, ठीक है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लग लग के फिर वो या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बन जाती है, फिर मजीद रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर हम उसको देखें तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाती है, ठीक है। और उसके अंदर मजीद अगर रिस्ट्रिक्शंस हम लगा दें तो वो रेगुलर ग्रामर बन जाती है, ठीक है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की प्रोडक्शंस के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हमारे पास, अल्फ़ा टेंस टू बीटा टाइप के इसके प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा कैन बी एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स, लेकिन ऑफकोर्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास किसी भी प्रोडक्शन में लेफ्ट साइड पे कोई एक वेरिएबल तो होता है, तो इसको आप रिस्ट्रिक्शन ना समझें, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो देर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एरो एंड दिस अल्फ़ा कैन नॉट बी नल। हाँ, बीटा ऑन द अदर हैंड कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी नल। और इसके अंदर देखें, हम अगर एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दें कि आप लेंथ ऑफ अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा, तो ये टाइप वन ग्रामर बन जाएगी। फिर अगर उसके अंदर से हम एक और रिस्ट्रिक्शन हटा दें, क्योंकि टाइप वन ग्रामर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और विदाउट कॉन्टेक्स्ट दोनों अलाउड होते हैं, तो हम एक रिस्ट्रिक्शन उसमें अगर लगा दें कि ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रोडक्शन आर अलाउड, तो वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाती है। और उसमें मजीद अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि राइट हैंड साइड पे या वर्ड होगा या सेमी वर्ड होगा, तो वो एक रेगुलर ग्रामर बन जाती है। इन ग्रामर्स के अंदर टाइप ज़ीरो में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और जो एक रिस्ट्रिक्शन टाइप वन ग्रामर में थी वो भी अब यहाँ से उड़ा दें कि लेंथ ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ बीटा, ठीक है। तो इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन भी हमने हटा दिया, इसलिए हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं। इन्हीं ग्रामर से जो लैंग्वेज बनती है उसको रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। आपने सबसे पहले देखा था कि रिकर्सिव डेफिनेशन में हम तकरीबन हर चीज़ को डिफाइन कर रहे थे, जो भी सेट था हम उसको रिकर्सिव डेफिनेशन के ज़रिए डिफाइन कर रहे थे। रिकर्सिव डेफिनेशन एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। तो जो चीज़ टाइप ज़ीरो ग्रामर से ताल्लुक रखती है, उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज कहते हैं। रिकर्सिव इसलिए कि रिकर्सिव मींस बाय यूजिंग रिकर्सिव प्रोसेस, तो रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज मींस द लैंग्वेज हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय रनिंग अ प्रोसेस दैट मेक्स कॉल्स टू इटसेल्फ, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, जो असल इसमें एक टॉपिक पढ़ने वाला है वो यहाँ, इसको देखिए कि हमारे पास ये चॉम्स्की हायरार्की है,
और इसको हम थोड़ा सा आल्टर करेंगे। आल्टर हम ये करेंगे, हमें पता है ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इक्वल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा है जो कि एक्सेप्ट करता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को, और उसके बाद हमारे पास होती है ट्यूरिंग मशीन जो कि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। लेकिन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का एक सबसेट ऐसा है जिसको हम सिंपल रिकर्सिव लैंग्वेजेस कहते हैं, ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। अब रिकर्सिव लैंग्वेजेस में और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क ये है कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है उसको रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन हम लगा दें कि ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो हमेशा हार्ट हो वो जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी तो वो रिकर्सिव लैंग्वेज होगी, ठीक है। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल तो होगी होगी बिकॉज इट इज़ अ सुपरसेट, ठीक है, लेकिन वो रिकर्सिव लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब ये इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के आ रहा है। कुछ लैंग्वेजेस अब हमारे पास ऐसी हैं जो कि नॉन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं, और जैसे हमारी ऐसी लैंग्वेजेस जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये फॉर्मल लैंग्वेजेस के ज़ुमरे में आती नहीं है, वो अनफॉर्मल लैंग्वेजेज है, तो वो किसी भी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट नहीं होती। तो एनीथिंग दैट इज़ कंप्यूटेबल बाय अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, हमारे कंप्यूटर का मॉडल ट्यूरिंग मशीन के ऊपर है, ट्यूरिंग मशीन बेसिक है हमारे कंप्यूटर की और उसी की बिना पर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकता है वो इन्हीं किस्मों में से कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, और वो सारी की सारी लैंग्वेजेस ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। अब मैं आपको फ़र्क बता दूं यहाँ पे कि रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के अंदर क्या फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के अंदर होता ये है, द मशीन हाल्ट्स फॉर इनपुट स्ट्रिंग। हाल्ट का मतलब पहले समझ लें। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी मशीन में ऐसी जगह पे इंटर हुए हैं कि अब वहाँ से हम निकल नहीं सकते, हम लूप्स में घूमते रहते हैं, इनपुट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद हम लूप्स में घूमते रहें, या इनपुट जब तक ख़त्म नहीं होता हम लूप्स में घूमते रहते हैं, हम किसी भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट पर नहीं पहुँचते, ठीक है। तो इसका मतलब मशीन हाल्ट नहीं हो रही, ठीक है, हम जो भी रीड कर रहे हैं, या बाज़ मशीन अभी आप देखेंगे कि ज़ाहिर बात है उसमें इनपुट सिर्फ इनपुट टेप के ऊपर डिपेंड, यानी जो आपका एग्जैक्टली स्ट्रिंग था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट साइड पे या राइट साइड के ऊपर डेल्टा सिंबल्स होते हैं या स्पेस सिंबल्स होते हैं। तो अगर उस स्पेस सिंबल्स के ऊपर ऐसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करें कि वेन एवर यू रीड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और आप स्पेस को रीड करके उसको स्पेस ही से बदलो और फिर राइट पे मूव करो और फिर उससे अगली स्टेट ये हो कि जब भी आपके पास डेल्टा सिंबल रीड हो यानी स्पेस रीड हो तो आप स्पेस को रीड करके राइट की तरफ जाओ। तो ये देखिए एक लूप बन जाएगा, स्पेस पे पहुंचे, स्पेस रीड करके राइट की तरफ जाएं, अगली स्टेट कह रही है स्पेस रीड करके लेफ्ट की तरफ जाएं, वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसी लूप में फंसे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे करेक्टर रीड कर लिए तो टेप भी ख़त्म हो गई, नहीं, हमारे पास ट्यूरिंग मशीन के अंदर अभी हम देखेंगे कि इनफाइनाइट टेप होती है, तो टेप ख़त्म नहीं होगी। तो जब टेप ख़त्म नहीं होगी तो इसका मतलब हमारा इनपुट भी ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो अगर हमने अपना डिज़ाइन गलत बनाया है तो ऐसा हो सकता है कि हमारी मशीन कभी हाल्ट ही ना हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि मशीन हाल्ट नहीं होती। दूसरा ये कि नहीं, मशीन हाल्ट हो जाए अब उसके बाद ये फैसला करे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो मशीन हाल्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो वो लूप है, ज़ाहिर बात है, और अगर हाल्ट हो गई है तो वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई, हाल्ट करना एक्सेप्ट के साथ, हाल्ट होना मशीन का रिजेक्ट के साथ, और तीसरी चीज़ ये कि हाल्ट ना होना और लूप में चलते रहना। अब इसको समझिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ है कि इन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज द मशीन हाल्ट्स फॉर इनपुट स्ट्रिंग्स विच आर इन द लैंग्वेज, बट फॉर इनपुट स्ट्रिंग विच आर नॉट इन द लैंग्वेज इट मे हॉल्ट और इट मे नॉट हॉल्ट, ठीक है। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए जो हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं वो ऐसे होते हैं
कि अगर कोई वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है तो उसके लिए तो मशीन हाल्ट करेगी करेगी, यानी कि एक्सेप्ट करेगी करेगी उसको। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग हमने मशीन्स के ऊपर रन किया है जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, तो हो सकता है मशीन हाल्ट करे विद रिजेक्शन, या हो सकता है मशीन लूप में चली जाए। रिकर्सिव लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हमेशा हाल्ट ही होगी, चाहे एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट, लूप वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो लूप वाला ऑप्शन चूंकि नहीं होता है तो हम लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं थोड़ा सा कि अब इसमें लूप वाला पोर्शन निकाल दें, तो लैंग्वेज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो एक सब पार्ट बन जाता है रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज का, वो रिकर्सिव लैंग्वेज है। तो यहाँ से आप देखें यहाँ पे कि ट्यूरिंग मशीन में तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो हाल्ट करेगी यानी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और या वो लूप में जाएगी। तो अगर तीनों ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो जिसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं तो वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज है। ठीक है, और ऐसी मशीन जो हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, यानी जिसके अंदर कभी भी आप लूप में नहीं जाएंगे, आप हमेशा या एक्सेप्ट करके हाल्ट करेंगे या रिजेक्ट होने की सूरत में हाल्ट करेंगे, लूप में नहीं जाएंगे, तो ऐसी लैंग्वेज जो होगी उसको हम रिकर्सिव लैंग्वेज कहेंगे। और अगर लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें कोई ट्यूरिंग मशीन आपने ऐसी बनाई है कि अगर कोई ऐसे कोई ऐसा स्ट्रिंग आप उसको देते हैं जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और उसकी वजह से लैंग्वेज लूप में जा रही है, तो उन लैंग्वेजेस को हम रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। ठीक है, बाकी जाहिर बात है हमारा इससे इतना वास्ता नहीं पड़ने वाला आखिरी लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ भी करना था और एज पार्ट ऑफ थ्योरम्स भी हमने पढ़ना था जैसे हमने पहले किया है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को याद रख लें कि वो आनी के प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कंकैटिनेशन, क्लीन एंड कम्प्लीमेंटेशन। यानी यूनियन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस इज आल्सो अ रिकर्सिव लैंग्वेज, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस इज आल्सो अ रिकर्सिव लैंग्वेज, कंकैटिनेशन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेज इज आल्सो रिजल्ट्स इन अ रिकर्सिव लैंग्वेज। इसी तरह क्लीन ऑपरेशन ऑफ अ रिकर्सिव लैंग्वेज आल्सो रिजल्ट्स इन अ रिकर्सिव लैंग्वेज। और अगर किसी रिकर्सिव लैंग्वेज का कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो कम्प्लीमेंट के बाद जो लैंग्वेज बन रही है वो भी रिकर्सिव लैंग्वेज ही होगी। दीज आर द प्रॉपर्टीज। अभी हमारे पास ना प्रूफ करने का टाइम है और ना इनके ऊपर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको इन्फॉर्मेशन की हद तक पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ भी सेम वही हैं, सिर्फ सिवाय कम्प्लीमेंटेशन की। तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन ऑपरेशन, बट दे आर नॉट क्लोज अंडर कम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है, दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, कि दो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का कम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं कि वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कि हर दफ़ा ऐसा होगा। तो जब हर दफ़ा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है तो इट मीन्स दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर कम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी ट्यूरिंग मशीन की तरफ। देखें, आपने ट्यूरिंग मशीन असल में पढ़ ली है, उसकी वजह कैसे कि ये टॉपिक बड़ा आसान लगेगा आपको। आपको जो बेसिक चीज़ें बतानी थी ट्यूरिंग मशीन के बारे में वो तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में बता ही चुका हूँ। तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में अगर आप टेप का राइट एंड को इनफाइनाइट कर दें तो वो ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी, नथिंग मोर। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, वर्किंग भी बिल्कुल वैसे है, स्ट्रेट्स भी बिल्कुल वैसे होंगे, एजेस भी बिल्कुल वैसे होंगे, तो बिल्कुल एक ही चीज़ है, ज़र्रा बराबर उसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एलन ट्यूरिंग इन 1936, अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल मॉडल फॉर कंप्यूटिंग, और हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी मॉडल पे बने हुए हैं। ठीक है ना, इट मॉडल्स द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर हाउ, ये भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ट्यूरिंग मशीन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन दैट डिफाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन विच मैनिपुलेट्स सिंबल्स ऑन अ स्ट्रिप ऑफ टेप अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ रूल्स। अब बाहर तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ लगती है कि भाई हम FA बनाते हैं और हम कहते हैं ये FA कंप्यूटर का मॉडल है। कहते हैं ये FAs या जो ट्यूरिंग मशीन्स हैं ये कंप्यूटर का मॉडल कैसे हो सकते हैं? देखो, कोई भी एल्गोरिथम आप ट्यूरिंग मशीन के ज़रिए रन कर सकते हैं। ठीक है,
अभी बहुत डिटेल में तो हमारे पास पढ़ने का मौके नहीं है, लेकिन यह है कि हम उस बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेन मेन चीज़ें होती क्या हैं उनको देख लीजिए। इट इज़ द फाइनाइट स्टेट मशीन विद एन इनफाइनाइट टेप। अच्छा, इनफाइनाइट एट वन एंड, क्योंकि लेफ्ट साइड इसकी जो है ना वो फाइनाइट होती है, तो इट इज़ इनफैक्ट राइट इनफाइनाइट। और इसका एक टेप हेड होता है विच कैन मूव वन स्टेप एट टाइम इन ईदर डायरेक्शन लेफ्ट और राइट टू रीड और राइट अ टेप सेल। तो जिस तरह हमारे पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में था कि आप लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं और आप चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं और उनको राइट भी कर सकते हैं इरेज करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के अंदर था कि आप राइट मार्कर से पे जाके राइट मूव नहीं कर सकते और लेफ्ट मार्कर के जाके लेफ्ट मूव नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मशीन विल क्रैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सिर्फ लेफ्ट मार्कर है, यानी लेफ्ट मार्कर से समझें कि हमारे पास लेफ्ट में एक लिमिट होती है कि ये पहला सेल ये है, ठीक है, राइट में तो इनफाइनाइट सेल है। तो मशीन क्रैशेज इफ हेड इज ऑर्डर टू मूव फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल, ठीक है। तो वहाँ भी यही था, यहाँ भी ये सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा असल में ट्यूनिंग मशीन ही है, ठीक है। तो इट नॉर्मली एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग और कम्प्लीट्स इट्स कंप्यूटेशन बाय एंटरिंग अ फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट कॉल्ड अ हॉल्ट स्टेट। और टेप इज यूज टू फॉर इनपुट और स्टोरेज एरिया। देखें, ये सारी वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में पढ़ चुके हैं। अब आप देखें, इसमें छः चीज़ें होती हैं। एक अल्फ़ाबेट सेट होना चाहिए जो इनपुट लेटर्स का, ठीक है। इस तरह एक इनफाइनाइट टेप होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जो आप लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में पढ़ी, लेकिन उसको लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से हम इनफाइनाइट कर देंगे। और इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि जो हमने पीडीएस के अंदर इनफाइनाइट टेप पढ़ी थी कि जी इनफाइनाइट टेप है, उसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो ब्लैंक सिंबल्स हैं। इनिशियली आप जब इनपुट उसके अंदर प्लेस करते हैं तो पहले सेल से इनपुट प्लेस होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद राइट पे जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइटली ब्लैंक सिंबल्स हैं, बड़े होते हैं, एक टेप हेड होता है। इसी तरह एक आउटपुट या प्रिंटेड लेटर्स के लिए भी एक अल्फ़ाबेट सेट आपको चाहिए, वो होता है। और ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर एक स्टार्ट स्टेट होती है और कुछ हॉल्ट स्टेट्स होती हैं। हो सकता है हॉल्ट स्टेट ना हो, आपकी मशीन हमेशा लूप में फंसी रहे, ठीक है ना। और प्रोग्राम टू टेल, एक प्रोग्राम होता है, सब रूटीन होते हैं, एक एल्गोरिथम होता है जो बताता है कि कोई काम कैसे करना है, ये करेक्टर रीड करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे, उसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे। और इस प्रोग्राम को हम या तो कोड की सूरत में लिख लेते हैं या हम इसको स्टेट डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की सूरत में लिख लेते हैं। और अमूमन हम इसको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की सूरत में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ट्यूरिंग मशीन को एक मिनट में आपको बता देता हूँ। इस तरह ये देखें, ये एक ट्यूरिंग मशीन है। अब देखें, ये एक प्रोग्राम है असल में कि स्टार्ट स्टेट पे अगर ए रीड करेंगे तो आप उसको ए को इरेज करके ए ही राइट करेंगे और मूव राइट करके ये इनपुट टेप पे होंगे मूव राइट और स्टेट नंबर टू पे चले जाएंगे तो उसका कोड आप रन करेंगे तो स्टेट नंबर टू का जो कोड है वो फिर आगे जाके रन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट टू लिखना था और यहाँ पे स्टेट थ्री लिखना था मुझे, चलो ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन के अंदर देखें, आपको बताया कि आप इनपुट कोई स्ट्रिंग इनपुट उसको रीड करके आप बता सकते हैं कि एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपके पास कोई एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है तो लाजमी नहीं आप हमेशा लूप में ही जाएं, ठीक है। आपका जैसे ही इनपुट ख़त्म होगा तो आपने हम हर दफ़ा कुछ रीड करने के साथ कुछ राइट भी कर रहे होते हैं, तो मूरे या मीले मशीन की तरह हम उसका ऑपरेशन भी इस यानी उसकी फंक्शनलिटी भी हम इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं कि आप कुछ रीड करके कुछ जगह कुछ राइट करवा रहे हैं और कुछ कोई चीज़ इनपुट नहीं कर रहे हैं, बस इस इनपुट से आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। तो ट्यूरिंग मशीन कैन बी यूज एज अ ट्रांसड्यूसर एज वेल एंड एज वेल एज द लैंग्वेज एक्सेप्टर, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्यूरिंग मशीन को जब लैंग्वेज एक्सेप्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो हाल्ट हो जाता है फाइनल स्टेट में, तो इसका मतलब यानी एक्सेप्टिंग स्टेट में, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता है। और
रिजेक्ट होने का मतलब यह है कि मशीन हाल्ट हो और नॉन फाइनल स्टेट में जाए या मशीन लूप में चले जाए, दोनों सूरतों में इनपुट रिजेक्ट ही हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि इस पहली वाली सूरत में वो हाल्ट होकर रिजेक्ट हो रहा है और इसमें लूप में जाके हो रहा है रिजेक्ट, ठीक है। और पहली वाली सूरत में हाल्ट होके एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़नी भी नहीं, हम तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी तौर पे इसको पढ़ें कि हमें कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। तो सेम अगर आपने लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का टॉपिक देखा है तो उसमें और इसमें बस सिर्फ टेप की लेंथ फाइनाइट या इनफाइनाइट का फर्क है, बाकी वर्किंग इसकी भी वही है कि एक टेप है उसके अंदर एक हेड है आपके पास, आप कुछ रीड करके उसकी जगह कुछ राइट करा के लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं किसी स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम को बैकग्राउंड में रखते हुए जो आपके फाइनाइट कंट्रोल के तौर पे काम करता है, नथिंग मोर, ठीक है। अब सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज़ हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी वो ये चीज़ है कि आपके पास या कोई हार्ड स्टेट होगी या नहीं होगी। अगर आपके पास हार्ड स्टेट नहीं होगी तो हो सकता है आप उस सूरत में उसको एज अ ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो वैन द इनपुट इज़ रेड कम्प्लीटली द स्ट्रिंग लेफ्ट ऑन द टेप इज़ द आउटपुट स्ट्रिंग, बिल्कुल मूरे या मीले मशीन की तरह। और अगर आप उसको एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्ट हार्ड स्टेट्स होंगी। अब अगर आपका इनपुट वाकई हार्ट हो जाता है तो या वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। हार्ड स्टेट एक्सेप्ट स्टेट भी हो सकती है और रिजेक्ट स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है लूप की, ठीक है। हाँ, हमने ये पढ़ा कि जो रिकर्सिव लैंग्वेजेस है उसमें लूप वाली फंक्शनलिटी नहीं होती, वो ऐसी ट्यूरिंग मशीन होती है जो हमेशा हाल्ट ही होगी, ठीक है, या वो फाइनल स्टेट पे हाल्ट होगी या वो रिजेक्ट स्टेट पे हाल्ट होगी, बस उसके अंदर लूप नहीं हो सकता। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा होता है कि उसके लिए कोई ट्यूरिंग मशीन हमने बनाई है तो अगर किसी स्ट्रिंग पे वो लूप में जा रहा है तो वो हम उसमें लूप में जा सकती है, ठीक है। तो बस इतना फ़र्क है और कोई इतनी बड़ी इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। एग्जांपल एक बड़ी सिंपल सी आसान सी एग्जांपल है, ठीक है, इतने ज़्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ नहीं रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू आपको पता हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, फंक्शनलिटी पता हो बस। देखिए स्टार्ट स्टेट से आप ए रीड करके ए ही से रिप्लेस करके इनपुट टेप पे राइट मूव करके आप स्टेट नंबर टू पे जा सकते हैं, ठीक है, और आप बी रीड करके भी जा सकते हैं। इसका मतलब शुरू में आप ए भी रीड कर सकते हैं और बी भी रीड कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ बी ही रीड कर सकते हैं और उसके बाद ए या बी में से कुछ भी रीड कर सकते हैं और चाहे तो कुछ ना रीड करें वैसे ही एक्सेप्ट कर लें हार्ट पे जाके, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, बी ए प्लस बी होल स्टार के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा भी बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बनाते हैं, बस इसको आप माइनस स्टेट कहते हैं, इसको आप कहते हैं प्लस स्टेट कहते हैं थ्री को। यहाँ ये है कि हम फाइनल स्टेट अलग से बनाते हैं क्योंकि हम एम्प्टी रीड करके जाना होता है और एजिस के लेबल में क्या होता है, चूँकि हमेशा राइट को ही मूव करना होता है तो आर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और चूँकि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें सिर्फ रीड करना होता है राइट नहीं करना होता तो ये दूसरे सिंबल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर अब इसी डायग्राम को यहाँ माइनस पुट कर दें या लगा दें प्लस, इसको उड़ा दें और सिंबल्स ए बी बी ए बी, तो ये एक एफ ए बन जाएगा ए प्लस बी बी और ए प्लस बी ऑल स्टार को एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल इससे मिलती जुलती डायग्राम है तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अगर एफ एस की समझ आ जाती है ना जिस बंदे को, तो उस बंदे को किसी और चीज़ को समझने के लिए सिर्फ इशारा चाहिए अगर एफ एस में आपने मेहनत की हुई है, ठीक है। इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा इसकी फिक्र नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास डायग्राम होती है आप उसको डायग्राम के बजाय इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कि अब देखिए ये डायग्राम भी आपको क्या बता रही है, अगर आप स्टार्ट स्टेट पे हैं, स्टेट नंबर वन पे हैं और आप ए रीड करते हैं तो ए को इरेज करके उसकी जगह ए लिखेंगे और मूव करेंगे राइट को इनपुट टेप पे, ये राइट का मतलब इनपुट टेप पे, और इस एरो का मतलब यह है कि आप स्टेट नंबर टू पे जाएंगे। तो ये देखें ये स्टेट नंबर वन का प्रोग्राम है और स्टेट नंबर वन का दूसरा एज चूँकि यहाँ पे है तो ये असल में दूसरी सब रूटीन है, छोटा सा कोड है असल में ये जो बैकग्राउंड पे काम कर रहा है कि इफ़ बी इज़ रेड देन इरेज दिस बी रिप्लेस इट विद अनदर बी मूव टू द राइट ऑन इनपुट टेप, और जहाँ तक कंट्रोल की बात है अब कंट्रोल चला जाएगा स्टेट नंबर टू पे। स्टेट नंबर टू पे क्या होगा कि इफ़ बी इज़ रेड
erase this b, write b and move right on input tape. और control की जहाँ तक बात है तो control अब state number 3 पर transfer हो जाएगा. state number 3 के लिए भी इसी तरह हम program लिखना शुरू हो जाएंगे. ये सही लिखे हुए हैं बिल्कुल ठीक है. ये state number 1 के चूँकि दो ही आने थे क्योंकि a और b दोनों edges हैं ठीक है. state number 2 के लिए एक ही सब रूटीन आएगी क्योंकि वो उसके लिए एक ही एज था. स्टेट नंबर 3 के लिए तीन सब रूटीन आएंगी तो वो आप इसी तरह से लिख देंगे. तो आप देखें आपकी ये जो फाइनाइट स्टेट डायग्राम होती है ये असल में सब रूटीन्स को आप ये जो आपका कोड होता है उसका मैथमेटिकल मॉडल होता है. और इस मैथमेटिकल मॉडल को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर चिप्स के ऊपर कन्वर्ट कर दें तो देखो एक छोटा सा कंप्यूटर बन जाएगा. तो अब आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि कंप्यूटर्स मैथमेटिशियंस ने क्यों बनाया था. क्योंकि इसकी बेस पे मैथ्स है. आपके कोड की बेस पे आपकी ग्राफ थ्योरी आपके और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं ठीक है ना. इसीलिए कंप्यूटर और मैथ्स का चोली दामन का साथ है. अगर आप कंप्यूटर की बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा अब कहते हैं इसी मशीन के ऊपर छोटी सी टास्क है कि हम चेक करते हैं कि ये ए बी ए स्ट्रिंग को डिराइव करे यानी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो हम देखते हैं ए बी ए स्ट्रिंग है तो सबसे पहले हम ए रीड करेंगे ठीक है. और जब हम ए रीड करते हैं तो हमें पता है आप स्टार्ट वन से ए रीड करके स्टेट नंबर टू पे जाते हैं ठीक है. तो ए हमने रीड कर लिया और ए को ए से रिप्लेस करना था तो नथिंग मोर. स्टेट नंबर टू पे आप क्या करते हैं वी रीड बी ठीक है. आपने बी को रीड किया और आपने कंट्रोल राइट पे ट्रांसफ़र किया ठीक है. और स्टेट थ्री पे क्या है आप ए रीड करते हैं और ए रीड करके आप कंट्रोल राइट पे ट्रांसफ़र करते हैं. अब राइट पे आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेल्टाज हैं जो हमने अभी लिखा नहीं है. जब ज़रूरत पड़ी तो हम तभी लिखेंगे. ज़ाहिर है इनफाइनाइट डेल्टाज हैं तो सारे तो नहीं लिख सकते ठीक है. अब स्टेट थ्री पे क्या है देखें इन यहाँ तक पहुँच गए. अब अगला स्ट्रिंग जो रीड हो रहा है वो डेल्टा है. वी रीड डेल्टा एंड वी रीच द हॉल्ट स्टेट. और ये हमारे पास टोटल एग्जीक्यूशन पाथ है हमारे पास कि शुरू में आपने ए रीड किया फिर आप इधर गए ए में कोई चेंजेस नहीं की. अगर हम यहाँ ए को एक्स से चेंज करते तो हम जब बी पे जाते तो ए यहाँ पे हमारे पास एक्स होता ठीक है. लेकिन यहाँ पे नहीं था. और बी को जब हमने रीड किया है उसके बाद हम ए पे गए हैं. ए को रीड करने के बाद हमने जब राइट पे गए तो हमें मिला डेल्टा. हम स्टेट नंबर थ्री पे हैं. स्टेट नंबर थ्री पे अगर डेल्टा रीड होता है तो आप डेल्टा ही से उसको रिप्लेस करेंगे. देखिए हमने कोई चेंजेस नहीं की डेल्टा ही रहा. और राइट पे मूव करेंगे तो राइट पे एक और डेल्टा था लेकिन उस वक्त ये हॉल्ट स्टेट पे पहुंच गया था एंड दैट इज़ ऑल. और आपने ऊपर स्टेट्स लिख दी ठीक है कि ये स्टेट नंबर वन पे ये ऑपरेशन हुआ स्टेट नंबर टू पे. स्टेट नंबर थ्री पे जब हम गए तो हमें वहीं से देखें ए बी ए एक दफ़ा स्टेट नंबर थ्री और फिर डेल्टा भी स्टेट नंबर थ्री से ही रेट किया इसलिए तीन को दो दफ़ा लिखा है और फिर चौथी हार्ड स्टेट. तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है. इसी को एग्जीक्यूशन चेन भी कहते हैं. तो द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑन द इनपुट स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एग्जीक्यूशन चेन ठीक है. जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्ट्रिंग डिराइव करना है या स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो वो किस तरह से इस मशीन के ऊपर होगा. तो एक तरीका उसका वो था जो हमने पहले पढ़ा कि हम इतनी स्लाइड्स बनाते हैं हर स्लाइड में एक एक जो है स्ट्रिंग आगे जा रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं टेप पे क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं. और दूसरा मेथड उसका ये है कि आप एग्जीक्यूशन चेन के ज़रिए उसको बताते हैं तो वो एक ही पेज पे वो 5-6 बल्कि 10-15 स्लाइड्स का काम इकट्ठे भी आ सकता है ठीक है ना. इसको प्रोसेस चेन भी कहते हैं ट्रेस भी कहते हैं ट्रेस ऑफ एग्जीक्यूशन भी कहते हैं. स्टेट नंबर ऊपर लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्टेट नंबर लिखें. तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन नहीं है ये आपके लिए नेसेसरी है कि आप स्टेट नंबर को लिखेंगे ठीक है अगर आपसे मांगा जाएगा. तो अब आपकी टास्क ये है कि ये एक ट्यूरिंग मशीन है जो ए एन बी एन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है. इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय द सेम नंबर ऑफ बीस ठीक है. उसमें अब ए ए बी बी इस स्ट्रिंग को आपने एक्सेप्ट करके दिखाना है कि ये स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट हो रहा है. इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है और अपने आंसर को कंपेयर कर लीजिएगा. ये आंसर जो है दिया हुआ है कि शुरू में ए ए बी बी है और जब ए को रीड करेंगे तो कैपिटल ए से उसको बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए को रीड करके कैपिटल ए से उसको चेंज करना है और राइट पे मूव करेंगे ठीक है. और उसके बाद जो भी प्रोसेस है सारे का सारा यहाँ पे दिया हुआ है
ठीक है। बेसिक इसकी वर्किंग क्या है कि आपने चूंकि इक्वल को चेक करना है, तो जब पहला ए आएगा उसको आप कैपिटल ए से बदलेंगे, और जब पहला बी आएगा उसको आप कैपिटल बी से बदलेंगे, फिर अगले राउंड के अंदर आप दूसरे ए को कैपिटल ए से बदलेंगे और दूसरे बी को कैपिटल बी से बदलेंगे। तो जब आपके पास मज़ीद कोई जोड़ी नहीं बचेगी, ठीक है, तो आप हाल्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आसान सी एग्जांपल है ये भी, आप इसको खुद से करके देख लीजिएगा, इजी है बिल्कुल, इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में ए एन बी एन सी एन के लिए कर लिया है तो ए एन बी एन तो कोई मसला ही नहीं है अब आप लोगों के लिए। अब हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज हैज़ अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स एक्जैक्टली दैट लैंग्वेज। हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, ऑफकोर्स हम बना सकते हैं, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन एक बड़ी वास्ट चीज़ है जो कि हर ग्रामर के लिए काम करती है, और ट्यूरिंग मशीन का जो दायरा है वो सुपर सेट है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। तो इसका मतलब कि हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन बन सकती है, लेकिन उसके प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का पता है। वो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम क्या है कि भाई कोई भी आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका कोई एफ ए होगा, उस एफ ए में जहाँ लेबल ए है उसको ए ए आर से बदल दो, और जहाँ लेबल बी है उसको बी बी आर से बदल दो, बस इसी तरह सारे काम करने हैं, ठीक है। माइनस स्टेट को नाम दे दो स्टार्ट स्टेट का, और एक नई स्टेट बनाओ हाल्ट के नाम से, तो जो प्लस स्टेट थी ना वहाँ से प्लस ख़त्म करके एक डेल्टा डेल्टा आर का एज लगा के हाल्ट स्टेट की तरफ ले जाओ, बात ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो खुद ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बन जाएगी हमारी स्टार्ट स्टेट, ठीक है, और ये बन जाएगी, ये स्टेट नंबर टू ही रहेगी, ये स्टेट नंबर फोर रहेगी, ये स्टेट नंबर थ्री रहेगी, क्योंकि ये वाली स्टेट प्लस स्टेट है, तो एक हॉल्ट स्टेट बन के एक्सेप्टिंग स्टेट जो है ये इस प्लस स्टेट से हम यहाँ पे आ जाएंगे, डेल्टा डेल्टा आर रीड करके प्लस वाला स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट रहेगी ये, ठीक है ना, लेकिन फाइनल रहेगी, फाइनल हम अलग से लेके जाते हैं, हमारा रूल है, ठीक है ना। स्टार्ट स्टेट में सिंपली क्या है, माइनस को हमने स्टार्ट के वर्ड से चेंज कर दिया, नथिंग मोर। लेकिन फाइनल स्टेट में ये है कि जो फाइनल स्टेट होती है तो वहाँ से एक डेल्टा एच के ज़रिए आप नई हॉल्ट स्टेट की तरफ जाते हैं और प्लस का साइन ख़त्म कर देते हैं, तो लैंग्वेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेबल्स को हम उसके पैटर्न के ऊपर कर देते हैं, बी है तो बी कॉमा आर, देखिए सब में आर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एफ एस के अंदर हम हमेशा राइट ही की तरफ मूव करते हैं, कभी लेफ्ट की तरफ मूव नहीं करते। तो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन में भी चूंकि फंक्शनलिटी हमें वही चाहिए, तो आप कभी लेफ्ट की तरफ मूव ही ना करें। इसी तरह दूसरी फंक्शनलिटी हमारे पास एफ एस के अंदर क्या होती है कि आप इनपुट स्ट्रिंग को रीड करते हैं, आप उसको चेंज नहीं करते, तो यहाँ भी आप ऐसे ही करो, आप बी को बी रहने दो, आप उसको बी को किसी और सिंबल से चेंज मत करना, तो ये बिल्कुल एफ ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को खुद से करके देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो ये है वो आपके एग्जीक्यूशन चेन के मुतल्लिक है कि ये एक ट्यूरिंग मशीन है जो कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही, ठीक है, और पैलिंड्रोम्स को भी, इवन पैलिंड्रोम्स के भी, हर तरह के पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी बी ए जो कि एक और पैलिंड्रोम है, आपको एग्जीक्यूशन चेन के ज़रिए ये बताना है कि ये वर्ड एक्सेप्ट कैसे होगा। बिल्कुल इसी तरह कि ये ऑटोमेटा था, यानी ट्यूरिंग मशीन थी, और ये हमारे पास स्ट्रिंग था, हमने एग्जीक्यूशन चेन के ज़रिए इसको बताया कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, हॉल्ट तक पहुँच रहा है। तो यहाँ भी असल में मकसद ये है कि आप फर्स्ट रेट से शुरू करके हॉल्ट तक पहुँचेंगे ए बी बी ए बी बी ए को रीड करके, तो आप उसको एग्जीक्यूशन चेन का आइडिया हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। तो मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि सबसे पहले आप ग्रुप पे कर लें इसको डिस्कस, लेकिन ये बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा, चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या है कि अ फंक्शन दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय एन एल्गोरिथम, अ फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय एन एल्गोरिथम इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। एल्गोरिथम हमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हमारा काम करके देता है। तो याद रखिएगा, पुरानी बुक्स में अफेक्टिव प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था डिसाइडेबिलिटी के अंदर, अफेक्टिव प्रोसीजर क्या होता है, अ प्रोसीजर दैट गिव्स यू द आंसर आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स,
ठीक है। तो एल्गोरिथम असल में उसी इफेक्टिव प्रोसीजर ही का नया नाम है। एल्गोरिथम मीन्स एन इफेक्टिव प्रोसीजर, मीन्स एनी प्रोसीजर दैट गिव्स यू द आंसर आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो अ फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय एन इफेक्टिव प्रोसीजर इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन, यानी कि जो चीज़ भी कंप्यूटेबल है, जहां आप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, या जिस चीज़ का भी आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, आप उसको ट्यूरिंग मशीन पे रन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो चीज़ भी आप कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं तो आप उसकी एक सिमुलेशन ट्यूरिंग मशीन के तौर पे बना सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन हमारे कंप्यूटर्स का मॉडल है, क्योंकि जाहिर बात है कंप्यूटर में हर चीज़ एल्गोरिथम पे काम कर रही होती है, और जो चीज़ भी एल्गोरिथम्स पे काम कर रही होती है दैट कैन बी सिमुलेटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन, दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। और इसका रिवर्स भी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ है, तो इसका रिवर्स भी यही है कि एनीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय एन एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम हमेशा आप कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट्स करते हैं इफेक्टिव प्रोसीजर के नाम से। तो मतलब ये कि जो कंप्यूटर की जो पावर है असल में वो ट्यूरिंग मशीन की पावर है, और जो ट्यूरिंग मशीन की पावर है वो कंप्यूटर की पावर है। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर का जो है वो मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर की बेस है। ट्यूरिंग मशीन में हम हर एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि जिसको आप कंप्यूटर पे तो रन कर सकें लेकिन आप उसको ट्यूरिंग मशीन पे रन ना कर सकें। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर असल में ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, घूम तो नहीं गए, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस विच इज़ कंसिडर्ड एज अ फैक्ट। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ लेकिन दुनिया इसको सच मानती है। कुछ साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन से बात करते हैं कि नहीं जी, हम इसको नहीं मानते, और कुछ तो चॉम्स्की हायरार्की के बारे में भी कहते हैं, और उनके पास अपने अपने इसके दलायल हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक एडवांस टॉपिक है, हमें तो सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी हद तक पढ़ना है। अगर आप किसी बुक में चर्च ट्यूरिंग थीसिस के बजाय आपको कंप्यूटेबिलिटी थीसिस का वर्ड मिले या चर्च ट्यूरिंग कंजक्चर का वर्ड मिले तो दैट इज़ द सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये तो थी बेसिक वर्किंग जो कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की तरह थी। सिर्फ फ़र्क उसमें यह था कि हमारे पास टेप का साइज़ इनफाइनाइट होता है, बाकी बिल्कुल डिटो कॉपी है ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स की। ट्यूरिंग मशीन की कई वेरिएशन है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो अभी हमने ट्यूरिंग मशीन पढ़ी है, जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है जिसके अंदर एक टेप होती है और एक यूनिक हेड होता है। और याद रखिएगा, ट्यूरिंग मशीन्स आर, जब हम जनरली ट्यूरिंग मशीन्स की बात करते हैं तो दे आर डिटर्मिनिस्टिक, और लेफ्ट से तो उनकी एक बाउंड्री होती है, राइट से वो इनफाइनाइट होती हैं। लेफ्ट पे हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेल होता है, तो वो एक तरफ को तो ये टेप क्लोज होती है, दूसरी तरफ से ये इनफाइनाइट होती है। तो ये हमारे पास बेसिक ट्यूरिंग मशीन की पिक्चर है। इनपुट टेप जो कि राइट इनफाइनाइट है, ठीक है, ये टेप सिंबल्स हैं, और ये इसके एक इसका रीड राइट हेड है जो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, और एक फाइनाइट कंट्रोल होता है जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, सब रूटीन्स होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स की फॉर्म में, और वो डिटर्मिनिस्टिक है यहाँ पे। ये तो थी हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके वेरियंट्स कौन कौन से हैं? तो एक वेरियंट है इसका मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल इसकी तरह हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल होता है डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन टेप एक के बजाय ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जो तीनों हमारे पास देखें राइट इनफाइनाइट टेप्स, ठीक है। तो ये एक और मतलब वेरिएंट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टेप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये भी ट्यूरिंग मशीन ही है क्योंकि बेसिक फंक्शनलिटी तो उसी की है, लेकिन आपने सिर्फ टेप्स की तादाद को बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है अगर इसके अंदर हम चेंज कर दें, वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। सेम वही ट्यूरिंग मशीन है लेकिन आउटगोइंग एजेस के लेवल सेम हो सकते हैं, ठीक है, दो आउटगोइंग एजेस के लेवल एक जैसे हो सकते हैं, तो उसमें जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, बाकी चीज़ वही है, ठीक है। और मल्टी, एक होता है मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, कि टेप एक ही है लेकिन उस, और वो बिल्कुल इस तरह राइट इनफाइनाइट टेप है, लेकिन
उसके हेड्स एक के बजाय तीन या चार या दो पांच जितने भी हैं, तो सिंगल टेप विद टू और मोर हेड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसी के अलावा टू वे इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन होती है, जिसके अंदर सेम वही ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ की एडिशन है कि वो अब लेफ्ट से भी इनफाइनाइट है। जैसे राइट से इनफाइनाइट थी तो लेफ्ट से भी ओपन है, लेफ्ट से भी इनफाइनाइट है। तो वन टेप विद नो लेफ्ट बाउंड्री, इसमें लेफ्ट बाउंड्री भी नहीं है, राइट बाउंड्री तो पहले ही नहीं थी, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब मशीन आपकी ऑफकोर्स पहले इनपुट सिंबल से लेफ्ट पे जब आप मूव करेंगे तो क्रैश नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, एक है ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है, जो पहले वाले वर्जन ऑनलाइन है, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि जो आपका इनपुट है उसी के ऊपर आप काम करके आउटपुट भी जनरेट कर रहे हो। ऑफलाइन का मतलब यह है कि इनपुट कहीं पड़ा हुआ है उसके ऊपर अभी हमें काम करने की, यानी आप उस टेप को अल्टर नहीं करेंगे। इनपुट टेप रीड ओनली टेप होती है, आउटपुट टेप रीड राइट दोनों होती है, ठीक है। यहाँ से देखें, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, अब यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, लेकिन आउटपुट टेप जो कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट वो किसी किस्म की भी टेप हो सकती है, वो आपके पास रीड राइट उसमें दोनों फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स वर्किंग वही है, लेकिन आपने एक टेप के बजाय अब आप ये चाह रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल इनपुट अल्टर ना हो और मेरा रिजल्ट यहाँ पे जो आउटपुट टेप है वहाँ पे रहे, तो ऑफकोर्स आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक होती है मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन ऐसे ही है जैसे एक टू डायमेंशनल एरे या थ्री डायमेंशनल एरे होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें टू डायमेंशनल टेप है, तो अब आप सिर्फ लेफ्ट राइट को मूव नहीं कर सकते, आप अप या डाउन भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप जहाँ चाहें कोई चीज़ सेव करें, एक पूरी स्पेस है आपके पास, यहाँ पे एक प्लेन है पूरा जहाँ पे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, करेक्टर्स को कहीं भी रख सकते हैं। और असल चीज़ को आपका एल्गोरिथम है कि आप किस तरीके से स्पेस से डील करते हैं। और एक इसका इन्वेरियंट है, वो मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन है। मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन क्या है कि मल्टीपल टेप्स को हम वन टेप कंसिडर करते हैं। ये देखें, ये इस एक ही टेप में असल में ये दो टेप्स थी, उनको मिला के एक टेप बना दी और इसके मल्टीपल ट्रैक्स हो गए। तो अब एक हेड है तो एक वक्त में ये दो सिंबल्स को रीड करता है एज वन सिंबल। तो अब ये ए कॉमा बी को रीड कर रहा है एंड इट कंसिडर दैट वन सिंबल, ठीक है ना। तो ये यूज़ के ऊपर है आपका एल्गोरिथम, आप किस अंदाज से फंक्शनलिटी ऐड करके अपना काम निकलवाना चाहें। और एक होता है स्टे ऑप्शन ट्यूरिंग मशीन। देखिए, ये भी सेम वही ट्यूरिंग मशीन है जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि आप लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं बस। अच्छा, आप उसी जगह पर स्टे नहीं कर सकते। इसके अंदर ये होता है कि एक लेबल एल और आर के साथ एस का भी है, तो हेड मे नॉट मूव आफ्टर रीडिंग अ करेक्टर। सो एजेस मे बी लेबल्ड एज एक्स कॉमा एक्स एक्स एंड एक्स कैन बी एनी इनपुट और आउटपुट करेक्टर्स। और यहाँ पे लेफ्ट राइट के बजाय एस भी आप लिख सकते हैं। तो मूविंग द टेप हेड इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल आफ्टर रीडिंग अ करेक्टर, इट मे स्टे एट द सेम सेल ऑफ द इनपुट टेप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह की वेरियंट्स हैं, असल में तो ये ट्यूरिंग मशीन ही है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमने बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया है जिसका कोई भी मकसद हो सकता है, और आप उसको फंक्शनैलिटी को अपने एल्गोरिथम्स के ज़रिए यूटिलाइज करके अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जो मुख्तलिफ ट्यूरिंग मशीन्स हैं ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। देखिए, हमें पता था कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी एक ट्यूरिंग मशीन है, लेकिन वो रिकर्सिवली वो टाइप ज़ीरो ग्रामर्स के लिए नहीं था, वो टाइप वन ग्रामर्स के लिए था। तो ये जो मुख्तलिफ वेरियंट्स पड़े हैं इनमें तो हमारे पास फंक्शनैलिटी बढ़ी है। ठीक है, आप मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी बढ़ाई है कि मल्टी टेप कर दिया इसको, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कर दिया है। अब एक ही वक्त में आपके पास मल्टीपल एजेस हैं, मल्टी हेड, एक ही टेप के ऊपर कई हेड्स हैं, तो आप कई जगह से रीड कर सकते हो एक ही वक्त में। टू वे इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन, आपकी मशीन क्रैश नहीं करेगी, आप लेफ्ट को भी जितना चाहो मूव कर सकते हो। ऑफलाइन आपका ओरिजिनल इनपुट चेंज नहीं होता है, एट द एंड आपका ओरिजिनल इनपुट प्रिजर्व रहता है। मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, आपके पास एक पूरी स्पेस है जाने के लिए ऊपर नीचे, ठीक है। मल्टी ट्रैक के अंदर आप एक ही वक्त में मल्टीपल करेक्टर्स को रीड कर सकते हो एज अ सिंगल करेक्टर, ठीक है। स्टे ऑप्शन के अंदर आप
एक फंक्शनलिटी आपने बढ़ा दी कि आप लेफ्ट राइट मूव के साथ स्टे भी कर सकते हो, तो इनकी पावर बढ़ी है कि नहीं? पावर्स मीन्स कि अगर ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है, तो क्या इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने से ये किसी ब्रॉडर कैटेगरी को एक्सेप्ट करती है, यानी नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस को? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब भी रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेजेस ही को रिकॉग्नाइज करती हैं, क्योंकि कंप्यूटर, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर का मॉडल है। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर का ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर इज इक्वल टू ट्यूरिंग मशीन एंड ट्यूरिंग मशीन इज इक्वल टू कंप्यूटर, ठीक है। तो जो चीज़ भी कंप्यूटेबल है वो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। तो जब ट्यूरिंग मशीन सारे काम कर सकती है, तो इस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी से आपको ये तो हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। आप एक वक्त में दो दो तीन तीन करेक्टर रीड कर रहे हो, या मल्टीपल हेड्स हैं, मल्टीपल टेप्स पे काम कर सकते हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन या स्पीड के लिहाज से आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन लैंग्वेज और प्रॉब्लम्स ये वही सॉल्व कर सकेगा जो ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन सॉल्व करती है, चाहे कुछ जल्दी सॉल्व कर ले। तो इन एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से आपको स्पीड या ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉन रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करने लगे। ये सारे के सारे वेरिएंट रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज ही को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पावर इज द सेम, इन सब की पावर एक है। डिटर्मिनिस्टिक हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, सिंगल टेप हो, टू वे टेप हो, मल्टी ट्रैक हो, मल्टी डायमेंशनल हो, ऑफलाइन हो, विद स्टे ऑप्शन हो, ये सारे मैंने नाम ले दिए, इन सब की पावर सेम है। ये सारे रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेजेस ही को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो नॉन रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करे, वो रिकॉग्नाइज अभी हम ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा के अंदर ये था कि आपने ट्यूरिंग मशीन की पावर कम कर दी थी उसका एक फीचर करके, तो वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था, वो अब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, रेगुलर को कर सकता है, लेकिन किसी भी रिकर्सिव या रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी टेप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये था खुलासा ट्यूरिंग मशीन्स का। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपके बुक के अंदर ट्यूरिंग मशीन दी हुई है ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन की, जो कि आपके सामने ड्रा की हुई है, ठीक है। वर्किंग इसकी भी उसी तरह है, ठीक है। तो पहले से देखें, ए रीड हो रहे हैं, फिर बी रीड हो रहे हैं, जो भी है, ठीक है। आपने करना क्या है, एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो के एम्प्टी को एक्सेप्ट ना करें। देखिए, ये ट्यूरिंग मशीन एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के लिए है। आपने एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो के एन को एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हो, यानी अगर एम्प्टी है हमारे पास तो एम्प्टी को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो बल्कि यहाँ आप ए लिख लें, ठीक है। तो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन फॉर ए पावर एन, बी पावर एन और फिर ए पावर एन, ये एक ही जगह सी हो या ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। और आप ये इन्होंने उसके लिए बुक वालों ने ए पावर एन, बी पावर एन और ए पावर एन के लिए मशीन बनाई है। आप चाहे तो सी पावर एन के लिए सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस के साथ इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अब ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो ए पावर एन, बी पावर एन और सी पावर एन के लिए हो, विद एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इट मींस एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी एन कैन बी ज़ीरो तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसलिए कि स्टार्ट पे ही अगर दोनों डेल्टा है तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। आपने करना क्या है, एक काम तो ये करना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग के बजाय बाकी सब एक्सेप्ट होने चाहिए, एक ये चेंज करें। दूसरा, जो तीसरा सिंबल है, देखें ए एन बी एन ए एन, आपने ए एन बी एन और सी एन के लिए बनाना है, ठीक है। ये थर्ड वाला सिंबल ए के बजाय सी हो जाए, ये डी हो जाए, ई हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ छोटी सी अल्ट्रेशन है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप ये पहचान लें कि ए एन वाला पोर्शन कहाँ पे हो रहा है, बी एन वाला पोर्शन कहाँ पे हो रहा है और फिर ए एन वाला पोर्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिर्फ उसको आपने पहचानना है।
ठीक है, और कोई आपसे फिलहाल डिमांड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करिए, सॉल्व कीजिए, अपना आंसर शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट के, अपने साथियों के साथ, पहले इसको अच्छी तरह से डिस्कस करो। अब हमारा सिर्फ आखिरी लेक्चर रह गया है, और वो भी इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है 30 मिनट के अंदर वो भी फिनिश कर देंगे। पोस्ट मशीन और NPDA 2PDA उसका सिर्फ एक थोड़ा सा आपको रिव्यू देना है। तो इंशाल्लाह ताला कल आपका क्विज भी है और लास्ट लेक्चर भी है, तो खूब मेहनत करो। आखिरी हफ्ते में कोई लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आखिरी हफ्ते को आप बिल्कुल जो क्वेश्चन है मुझसे डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, ठीक है। खूब मेहनत करो, क्योंकि यही एक वीक है आपके पास, ठीक है ना। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, आप लोगों ने मेहनत की है माशाल्लाह, तो ये कि वो मेहनत थोड़ी सी जो है ना एग्ज़ाम में नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। उससे आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, थोड़ा उस्ताद का दिल भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो उसकी मेहनत कुछ फ्रूटफुल हो रही है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में तो इतना ख़ास कुछ नहीं था, बस ये था कि आपको ट्यूरिंग मशीन से एक तारुफ़ करवाना था। बाकी आपको उसकी वर्किंग तो लीनियर बॉन्डेड ऑटोमेटा के अंदर ही पता चल गई कि उसकी वर्किंग क्या है, क्योंकि वर्किंग में इन दोनों का ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि हाल्ट क्या होता है, एक ये चीज़ आपको सीखनी थी, और दूसरी ये आपको ये सीखना था कि इसकी टेप राइट से इनफाइनाइट होती है, इसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं है। और इसके कुछ वेरियंट्स थे, लेकिन उन वेरियंट्स के अंदर कुछ फ़ायदा तो मिल जाता है, ठीक है, स्पीड का या ऑप्टिमेटिलिटी का, ऑप्टिमिज्म का, लेकिन पावर सेम रहती है, ठीक है। तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन तीनों को देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपको एक FA दिया हुआ है, आपको उसका ट्यूरिंग मशीन बनानी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूरिंग मशीन दी हुई है पैलिंड्रोम्स की, एक स्ट्रिंग को सिमुलेट करके उसका ट्रेस बताना है आपने, ट्रेस का मतलब एग्जीक्यूशन पाथ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि AN, BN और AN के लिए विद N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्यूरिंग मशीन तैयार करके दी हुई है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आल्टर यह करना है। चले मैं ये भी आपके लिए आसान कर देता हूँ कि आप इस सिंबल को सी ना करें, इस सिंबल को ए ही रहने दें, चलें, ठीक है, आसान हो गया। लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना सा काम कर दें, ये भी काफ़ी होगा, ठीक है ना। तो ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये जितने ये 2-3 अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसके खुद से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इस टॉपिक में एग्ज़ाम में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।